दोस्तों आज के आपको दिखाएंगे बेकॉन के एंड से आने वाला ये मॉस्किटो रैकेट कैसा रैकेट है, कितने फीचर इसमें आपको मिलते हैं, क्या ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है या नहीं, इसको टियर डाउन करके आपको पूरा दिखाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहे। तो अगर आप यहाँ पे बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे मैंशन करता है कि जो इसकी बैटरी है वो 500 mAh की है और इसमें आपको 6 मंथ्स की वारंटी ही मिलती है। अब इस 6 मंथ्स की वारंटी का लॉजिक ये होता है, जैसे आपको मैंने पहले वाले वीडियोज में भी पता है, इनकी जो बैटरी होती है उनकी लाइफ मैक्सिमम 5 से 6 महीने ही होती है, तो कंपनी इसलिए आपको 6 मंथ की ही वारंटी प्रोवाइड कराती है। मगर देखने वाली ये बात होगी, जैसे मैंने आपको हिट के रैकेट में टेयर डाउन करके दिखाया था कि कंपनी ने बॉक्स में लिखा था मेड इन इंडिया, रैकेट में लिखा था मेड इन इंडिया, जो मैंने उसको टेयर डाउन किया तो उसमें वेलकोट का ही सर्किट और वेलकोट की बैटरी लगी थी, जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो प्रॉपर मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, बेगॉन वाले को ओपन करके देखेंगे कि कंपनी ने, अगर बैक साइड में देखें, पहले चेक कर लेते हैं मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे एड्रेस भी पढ़ सकते हैं, मगर बॉक्स में कहीं भी ऐसा मेड इन इंडिया नहीं लिखा है। तो मैन्युफैक्चर्ड तो यहाँ पे ये हरियाणा सोनीपत में ही हो रहा है, मगर टेयर डाउन के टाइम पे देखेंगे कि इसका जो बैटरी और सर्किट है वो मेड इन इंडिया है या नहीं। उससे पहले हम देख लेते हैं रैकेट कैसा है, तो बॉक्स को ओपन करते हैं और रैकेट को बाहर निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके के डिजाइन में आता है ये आपका रैकेट। आप देखेंगे साइज जो है इसका थोड़ा स्मॉल है, अगर आपने हिट वाला रैकेट देखा हो तो वो स्टैंडर्ड साइज में आता था, बट इसका जो रैकेट वाला एरिया वो थोड़ा स्मॉल है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, मैट फिनिश में आता है और आपको बिल्ड में पता लग जाएगा कि हार्ड प्लास्टिक तरीके का कुछ मटेरियल यूज किया गया है। यहाँ पे इसका बैच नंबर मेंशन किया गया है, अगेन आपको चार्ज करें तो इस तरीके से यहाँ पे सॉकेट दे रखा है इसका निकालने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक टाइम करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जो आप यहाँ पे इंडिकेटर दे रखे हैं, और दोबारा एक और बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लू लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यूजली ब्लू लाइट करती क्या है, जो कंपनी क्लेम करती है कि अगर मान लीजिए आपने इस रैकेट को इस तरीके से ऑन करके रख दिया है और रूम में पूरा डार्कनेस है, पूरा अंधेरा है, तो मॉस्किटो अट्रैक्ट होंगे इस ब्लू लाइट से, तो यहाँ पे आके इस रैकेट से टच करेंगे और उनको झटका लगेगा जब आपने इसको ऑन कर रखा हो। जैसे आपको मैं करके भी दिखाऊं, तो मान लीजिए आपने कमरे में अंधेरा कर रखा और लाइट को जला रखा, तो आप इसको जैसे टच करेंगे तो ये होगा। मगर यूजली मैंने देख रखा है मॉस्किटो ऐसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैंने पूरा टेस्ट कर रखा है 2-3 घंटे तक इसको ऑन करके उस तरीके से चेक करके, तो मॉस्किटो अट्रैक्ट नहीं होते। तो आपको इसमें भी सेम वही फीचर मिलता है कि अगर आप इसको बिना लाइट के यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑफ कर दें, तो डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से लाइट को ऑन करके। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आप टियर डाउन करके देखते हैं कि क्या सर्किट और बैटरी मेड इन इंडिया है या नहीं। अब अगर आप पहले हम बैटरी को देखें तो अकारी क्लासिक मेंशन्ड है, अकारी जो है वो चाइना का ब्रांड है और चाइना ही में ही बैटरियां बनती हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे चाइना के ही वो ईमेल आईडी टाइप दे रखी है, तो जो बैटरी है ये मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन चाइना है। आप अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको अकारी ब्रांड के मॉस्किटो रैकेट्स भी दिख जाएंगे, तो ये उसी की बैटरी को यूज़ करें जो चाइना से आती है। अब सर्किट अगर आप ध्यान से देखें जो इस वाले एरिया को, तो यहाँ पे मैंशन भी है WR226, अगेन ये स्टैंडर्ड सर्किट है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, या अगेन चाइना वगैरह से ही आता है। हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी का सर्किट हो और अच्छी क्वालिटी की चाइना की बैटरी हो, मगर दोनों चीज़ें चाइना की हैं। सर्किट का मैं श्योर नहीं हूँ, मगर सर्किट जो है वो स्टैंडर्ड है। अगर आप अमेजोन या गूगल में जाके भी सर्च करेंगे मॉस्किटो रैकेट सर्किट WR226, तो आपको ये वाला सर्किट 150 रुपये तक का बिकता हुआ दिख जाएगा। वैसे और अकारी की बैटरी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 60-70 रुपये की मिल जाएगी आसानी से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में भी। तो यहाँ पे तो मुझे चाइना का माल लग रहा है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि हर एक रैकेट, चाहे आप लोकल ब्रांड का लें या अकारी का लें या हिट का लें या बेगॉन का लें या अमेजोन सोल्यूमो का लें, हर एक की लाइफ 5 से 6 महीने ही होती है। जल्दी से इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर टेस्ट करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको मैंने बंद कर दिया, अब चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहां से चल रहा है, अब एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं टेस्ट करके। तो आप देखेंगे पूरा चल रहा है, एक और लेवल पे चेक करते हैं, इसको लाइट जला के इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।